नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हां, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 सितंबर को सीएम पेमा खांडू के साथ अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में तेजू हवाई अड्डे पर नव विकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करेंगे। नव विकसित बुनियादी ढांचे में विस्तारित रनवे, एक नया एप्रन, एक नया टर्मिनल भवन शामिल है, एक फायर स्टेशन और एक एटीसी टावर। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इन्हें 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हवाई अड्डे को 212 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है और यह ATR 72 प्रकार के विमानों के संचालन को संभालने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के उतरन का काम किया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत 2018 में हवाई अड्डे का परिचालन शुरू किया गया था। यह वर्तमान में अलायंस एयर और फ्लाइबिक एयरलाइंस द्वारा नियमित निर्धारित उड़ानों के माध्यम से डिब्रूगढ़, इम्फाल और गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर है और अधिकतम समय में 300 यात्रियों की क्षमता है। वर्तमान में इसमें 5 चेक-इन काउंटर है और भविष्य में इसे बढ़ाकर 8 कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि हवाई अड्डे पर ATR 72 प्रकार के विमानों के लिए 2 आगमन कैरोसेल और 2 विमान पार्किंग बे है। बिल्डिंग में डबल इंसुलेटेड छत प्रणाली, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लशिंग और बागवानी उद्देश्यों के लिए उपचारित पानी का कुंड, उपयोग करने की प्रणाली और एकीकृत वर्षा जल संचयन है। बीजेपी के सांसद तापिर गांव लोगों से अपील करते हैं कि 24 सितंबर को अरुणाचल के लोग इस बड़ी खुशी के वक्त उनके साथ आए और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वेलकम कर उद्घाटन का हिस्सा बने, क्योंकि एयरपोर्ट लोगों की ही सुविधा के लिए बनाया गया है जिससे एयरलाइन कनेक्टिविटी बढ़ जाए और लोगों को आने जाने में आसान पड़े। एयरलाइन कनेक्टिविटी की वजह से अरुणाचल के टूरिज्म में भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि बीजेपी के सांसद तापिर गांव ने कहा था कि वो अरुणाचल के दिबांग को टूरिज्म सेंटर बनाना चाहते हैं, तो ये एयरपोर्ट उनका पहला चरण है। टूरिज्म को आगे बढ़ाने में जैसे कि पहले ही अच्छे हाईवे कनेक्टिविटी की तापिर गांव ने बात की थी, जो उन्होंने करके भी दिखाया। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और तापिर गांव ने वादा किया था कि वो तेजू एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे जिससे लोगों के लिए और सुविधा अच्छी मिले। अरुणाचल वासी के लिए और स्पेशली हमारा तेजू के वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा खबर यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने एयर कनेक्टिविटी को अरुणाचल में बहुत इंपोर्टेंस दिया, इसलिए ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया साहब 24 सितंबर को तेजू एयरपोर्ट, ये आपका एयरपोर्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने के लिए आ रहा है, तो इसलिए मैं सिंधिया साहब को वेलकम कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन पर्टिकुलर तेजू वासी के लिए। मोदी साहब ने एयर कनेक्टिविटी होलोंगी में, ईटानगर में, पासीघाट में, तेजू में और अभी उड़ान सर्विस से तेजू पासीघाट ऑलरेडी कनेक्टेड है, जीरो कनेक्टेड है, फ्यूचर में मेसुका, टूटिंग और विजयनगर कनेक्टिविटी भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं मोदी साहब और सिंधिया साहब को धन्यवाद देता हूं कि 24 सितंबर को एयरपोर्ट बिल्डिंग इतना सुंदर से बनाया है। मैं अपना लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप गुवाहाटी से, इम्फाल से आराम से तेजू कनेक्टिविटी हुआ है, तो इसलिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 24 सितंबर को सिंधिया साहब सिविल एविएशन मिनिस्टर जब इनॉग्रेशन करने के लिए आएंगे, हम सब मिलके इसका स्वागत करना चाहिए। आज अरुणाचल बहुत रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और आपका आईटी टेलीकॉम कनेक्टिविटी अरुणाचल में बिछाया हुआ है मोदी सरकार ने और पेमा खांडू सरकार ने, अभी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए आज एक अरुणाचल प्रदेश
एक डेवलप स्टेट के रूप में उभर के आ रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड ऑनरेबल डिप्यूटी सीएम सोनामेन साहब। और इस तेजू एयरपोर्ट हमारे लिए, तेजू के लिए ऐतिहासिक है, इसलिए कि मोदी साहब ने कहा था कि हवाई चप्पल पहन के लोग एयर फैसिलिटीज, फ्लाइट का फैसिलिटीज, फ्लाइट जर्नी मिलेंगे, ये हकीकत में हो रहा है। तो इसलिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब मिलके सिविल एविएशन मिनिस्टर को ऑन 24 सितंबर को तेजू में स्वागत करेंगे। और तेजू में इतना सुंदर बिल्डिंग बनाया है जो मेट्रोपोलिटन सिटी का एयरपोर्ट बिल्डिंग जैसे बनाया है। तो इसलिए मोदी साहब और सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया साहब को धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस खबर में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।